मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों और कोरोना काल में समाज सेवा का काम कर रहे प्रतिनिधियों को संबोधित किया। सभी लोगों से अपील की है कि बिना समाज के सहभागिता के कोरोना संकट सामना हम नहीं कर पाएंगे और इसलिए समाज की भागीदारी हो, जिला ब्लॉक और वार्ड स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो और यही ग्रुप इस बात की निगरानी करे कि हमारे क्षेत्र में कोरोना संक्रमण बढ़ ना पाए। मुख्यमंत्री ने सभी नगर के जनप्रतिनिधियों से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जरूरी उपाय पर चर्चा की। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में जो हमारे शहरी क्षेत्र के नगरी निकाय के जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, जो कोरोना में समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया है और सभी लोगों से अपील की है कि बिना समाज के सहभागिता के, बिना आप सबके प्रयास के, ये जो कोरोना का संकट है, इस संकट का हम सामना नहीं कर सकते हैं और इसलिए समाज की भागीदारी हो, जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को बनाए गए हैं जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर, इनकी लगातार बैठकें हों और ये लगातार इस बात की निगरानी करें कि किसी भी तरह से हमारे क्षेत्र में कोरोना ना बढ़ पाए। इन सब विषयों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी नगर के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की है और अपील भी की है उन्होंने, जैसे वृक्षारोपण करने के संबंध में भी उन्होंने अपील की है। बाकी और जो कोरोना से बचाव के लिए, संक्रमण रोकने के लिए जो उपाय हो सकते हैं, होम क्वारंटाइन के लिए जो उपाय हो सकते हैं, बाढ़ में अगर कोई संक्रमित है तो उसके लिए, कोई अगर पेशेंट है तो उसकी डेथ ना हो, उसके लिए हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं, तो इस तरह से ये सारी बातें आज जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री जी ने की है। और पूरे प्रदेश में लगभग 40 लाख जनप्रतिनिधि समाज से भी आज इससे जुड़े थे और सभी से मुख्यमंत्री जी ने बात की है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।